मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। मीडिया के बंधु, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं, क्योंकि आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं और पूछना भी चाहिए, आप चतुर्थ स्तंभ हैं। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींच कर लाती है, हम नहीं लाते, हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है, स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास है। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है, और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बनके छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है तुष्टिकरण के, पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात करते हैं, मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा। क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैंने क्यों? मैं सब गुंडे बदमाश है, तभी ना घोषित, सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए कि नहीं पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश जी। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई, और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं। आज लखनऊ में बैठकर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से एक चैलेंज करती, एक चुनौती करती, और वो चैलेंज है, अखिलेश जी यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। कौन कहां से लड़ रहा है इस सूची को जारी करें, हम सब जानते हैं ये सूची जारी नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी यह भी आप समझते हैं। मीडिया वालों ने मुझे इससे पहले बताया, आने से पहले मैं कुछ अपने मीडिया के भाइयों से बात कर रहा, उन्होंने कहा टिकट तो भाई साहब व्हाट्सएप से जा रहे हैं, व्हाट्सएप से भेजे जा रहे हैं, घोषित नहीं किए जा रहे,
नाहिद हसन का घोषणा हुआ था, नतीजा पूरे हिंदुस्तान में रहा आक्रोश, और इसी कारण से उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं हो रही। बंधुओं, कल मैंने यह भी सुना, टीवी में देखा, मैंने अखबारों में आज पढ़ा है, अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन, वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना कर। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं, मैं आज लिख के दे रहा हूं 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे, आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोर्ट से मतलब है, इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो चुनाव है ये एक्सप्रेस वे का चुनाव है, दिस इलेक्शन इज एन इलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे, एंड दिस अपील ऑफ माइन इज द यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, द एजुकेटेड डायनामिक यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, इट इज अ वर्सेस इलेक्शन, एक्सप्रेस वे ऑफ भारतीय जनता पार्टी वर्सेस द एक्सप्रेस वे ऑफ समाजवादी पार्टी, द एक्सप्रेस वे ऑफ भारतीय जनता पार्टी आर गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेस वे, रंगदारी एक्सप्रेस वे, दंगई एक्सप्रेस वे और माफिया एक्सप्रेस वे, चुनना आपको, गंगा एक्सप्रेस वे और गुंडई एक्सप्रेस वे के बीच चुनना आपको है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और रंगदारी एक्सप्रेस वे के बीच में चुनना आपको है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और दंगाई एक्सप्रेस वे के बीच में चुनना आपको है, गोरखपुर लिंक वे और माफिया एक्सप्रेस वे के बीच में, और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, विद्वान है, चुनेगी तो वो ज्ञान को ही, चुनेगी तो वो विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न?